guys, what's up? Welcome to another vlog. How are you all? Hoping your friend fresh and showing you good flex and welcome to another vlog. आज की बात कुछ ऐसी है कि आज आखिरी रोज है, आज चांद रात है और उसके साथ मेरी बहन का बर्थडे भी है. सो ट्रिपल तैयारी हो गई आज, तो आज का दिन अभी से शुरू करते हैं. तैयारियां जो मैंने की है, बाकी की तैयारियां इंशाल्लाह इफ्तारी से पहले उठ के करेंगे और केक भी लेके जाना है तो केक भी लेंगे नीचे से. अबे यार, गिफ्ट लेना तो मैं भूल ही गया. अभी चलते हैं गिफ्ट लेने. जी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लड़कियों की शॉपिंग कैसे होती है. आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं जी, मैं दोनों पीछे वाले शॉपिंग मॉल घूम के आया हूँ. कुछ नहीं समझ में आ रहा लड़कियों के लिए क्या लूँ. पता नहीं लड़कियाँ कौन से कपड़े पहनती है, चिकन जार जार पता नहीं कौन से पहनती है, मुझे कुछ भी नहीं पता. अभी जो मुझे समझ में आया वो मैं लेके जाऊँगा. एक बात जो मुझे आपसे शेयर करनी थी वो क्वाइट डिसअपॉइंटिंग है, वो ये है कि दो तीन दिन पहले ईद सोक पे मुझे जाना था. मैंने पूरी तैयारी की थी उस दिन, इरफान जो आया था तो मुझे उससे मिलने जाना था ईद सोक पे. लेकिन क्या हुआ कि इफ्तारी के बाद इतनी गशी तारी हो जाती है कि इंसान
बेहोश हो जाता है तकरीबन। तो मैं इफ्तारी करके तकरीबन तैयार होके मैं बैठा बेड पे और मुझे नींद आ गई। मुझे तकरीबन 1 बजे तक नींद आ गई और 1 बजे मेरी आँख खुली है। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं तो नहीं जा पाया, उसके पहले मीटअप में भी नहीं गया था जो बाइकर्स शॉप पे हुआ था, तो ये भी नहीं मीटअप हो पाया। तो उसके बाद मैं इट्स शॉप पे गया, लेकिन मैंने वहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि अगर बंदे का हार्ट डिसअपॉइंटेड हो जाए तो मज़ा नहीं आता ब्लॉगिंग में। देखा जी, इस्लाम में मायूसी और होपलेस हो जाना एक किस्म का जुर्म है, शिर्क है। तो हम मायूस नहीं होते, इंशाल्लाह कभी ना कभी उनसे मुलाकात हो जाएगी हमारी। लेकिन मैंने सोचा आपके साथ ये बात शेयर करनी चाहिए, इस वजह से मैंने ये बात आपसे शेयर की। देखिए जी, बात कुछ ऐसी हुई कि मैंने व्लॉगिंग चैनल बनाया। यूट्यूब में तो हज़ारों चैनल है, फूड चैनल है, एंटरटेनमेंट चैनल है, म्यूज़िक चैनल है। मैंने व्लॉगिंग बनाई क्योंकि मुझे ये पसंद थी, मैं अपने आप को उस पर सूटेबल समझता था किसी हद तक, तो मैंने बनाया। लेकिन उसके फौरन बाद किसी ने भी बना लिया चैनल। मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग बना रहे हैं, किसी हद तक उन्हें इंस्पिरेशन मिल रही है। लेकिन जब मैंने उनका कंटेंट देखा तो कंटेंट तो यार भाई कॉपी हुआ था। मतलब कि उसने तो वही चीज़ें दिखाई, वही चीज़ें बताई जो, और मुझे किसी हद तक वो हर्ट हुआ भाई। देखिए जी, हर किसी को अल्लाह ने अपने हिसाब से खूबियाँ बख्शी है। मेरे में बहुत सारी निकम्मियाँ होगी, लेकिन खूबी जो होगी वो आप देख रहे हैं। आप में जो खूबी होगी वो मुझ में नहीं होगी, जो मुझ में खूबी होगी वो आप में नहीं होगी। तो ये तो अल्लाह ने सिलसिला बनाए रखा है। मैं उन लोगों से, आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी खूबी को एनालाइज करें, पहले अपने आप को एनालाइज करना सीखें, आप में से क्या है। मैंने खुद को एनालाइज किया, मैंने सोचा कि मैं कर सकता हूँ व्लॉगिंग, मैं करूँगा शायद, लेकिन आप में वो चीज़ें हैं जो मुझ में नहीं है। मुझ में तो कोई कुछ चीज़ भी नहीं है, मैं तो एक किस्म का निकम्मा इंसान हूँ, लेकिन आप सुपरस्टार हैं। आइए अपने इस खूबी को उजागर कीजिए, इस खूबी को शो कीजिए। आपका अगर म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप सिंगर बन सकते हैं, मेरी तो खड़ूस आवाज़ है। आप अगर किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है आपको, आप किसी और चीज़ में सुपरस्टार बन सकते हैं। लेकिन एनालाइज कीजिए अपने आप को। हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं होती और हर बंदा हर चीज़ में सूटेबल नहीं होता, और ख़ुद को एक सूटेबल प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना यही एक मेन चीज़ होती है।